बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना ही। कहा राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैसा। गलवान में शहीद हुए सैनिकों को प्रदेश कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित मंत्री और कार्यकर्ता रहे मौजूद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी। प्रदेश में 20 दिनों में पेट्रोल 9.45 रुपए और डीजल 10.60 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। दक्षिण पूर्वी जिलों में हो सकती है बारिश। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाओं के चलने की संभावना। चीन की एशिया में बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेना को हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला ले लिया है। इसकी शुरुआत वो जर्मनी से करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका जर्मनी में तैनात 52,000 अमेरिकी सैनिकों में से 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिका यह कदम ऐसे समय उठा रहा है कि जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है, तो दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और साउथ चाइना सी में खतरा बना हुआ है। भारत और चीन के बीच लद्दाख को लेकर जो हो रहा है, इसको लेकर सबकी नजर है। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई और बाद में बातचीत का दौर भी शुरू हो गया, लेकिन एक्सपर्ट साफ देख रहे हैं कि चीन ऐसे बाज आने वाला नहीं है। दरअसल ऊपर से यह सिर्फ बॉर्डर विवाद जैसा दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे चीन की बड़ी प्लानिंग है और अपने इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए चीन फिर ऐसी कोशिश करता रहेगा। इस सब के पीछे वजह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बड़ी योजना बेल्ट एंड रोड है। यह शिनजियांग से काराकोरम पास फिर सियाचिन से होते हुए पाकिस्तान और बलूचिस्तान तक पहुंचेगा। चीन चाहता है कि पूरी गलवान घाटी उसकी हो जाए, जिससे उसके इस रूट को कोई खतरा न रहे। एक्सपर्ट मानते हैं कि चीनी सैनिक भले अभी गलवान घाटी से वापस जाने को राजी हो, लेकिन वह फिर वापस जरूर आएंगे। भाजपा का कांग्रेस पर हमला लगातार जारी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि भारत के लोगों ने अपने जरूरतमंद साथी नागरिकों की मदद के लिए इसमें दान किया था, लेकिन इसके पैसे को एक परिवार के संगठन में हस्तांतरण किया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएमएनआरएफ संकट में लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन यूपीए कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान किए जा रहे थे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के लोगों ने अपने साथी नागरिकों को जरूरतमंदों के मदद करने के समय अपनी मेहनत की कमाई को पीएमएनआरएफ में दान दिया था। इस सार्वजनिक धन को परिवार चलाने द्वारा संचालित एक फाउंडेशन में हस्तांतरित करना न केवल एक संगीन धोखाधड़ी है, बल्कि भारत के लोगों के लिए एक बड़ा धोखा भी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। अभी एक और आतंकी के गिरे होने की आशंका है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को पुलवामा जिले के त्राल के चेवा उलर इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इन आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई करने से पहले जवानों ने आतंकियों से समर्पण करने के लिए कहा, बावजूद इसके आतंकियों की ओर से फायरिंग जारी रही। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। हालांकि रात में अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने 2 आतंकियों को मार गिराया, वहीं 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी है। बिहार में बिजली गिरने से जहां बाढ़ में लोगों की जान चली गई, वहीं उत्तर प्रदेश में 24 लोगों ने बिजली की चपेट में आने के बाद दम तोड़ दिया। दोनों प्रदेशों में कुल मिलाकर 115 लोगों की आकाशीय बिजली के चलते मौत हो गई। मौसम विभाग ने तेज बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पहले ही चेतावनी जारी की थी। विभाग ने बताया कि अगले 72 घंटे तक लोग बहुत जरूरत न होने पर अपने घरों से बाहर न निकले। जानकारी के मुताबिक बिहार के 23 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 83 लोगों की जान गई। गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई। मधुबनी में बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों ने जान गंवाई। भागलपुर और सिवान में 6-6 लोगों की मौत हुई। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी। परीक्षाएं रद्द करने को लेकर कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं 3 राज्यों ने भी कहा था कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते परीक्षाएं अभी नहीं कराई जा सकती हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के हलफनामे को मंजूर कर लिया है। इसके बाद सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परिणाम की तैयारी शुरू कर दी है और जुलाई के मध्य में परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। भारत में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए।
इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 4,90,401 हो गई है। अब तक 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह राजस्थान में अब तक 91 नए पॉजिटिव केस आए हैं और जोधपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जयपुर में 15, भरतपुर में 17, अजमेर बूंदी में 1-1, पाली सिरोही में 5-5, करौली में 13, कोटा में 23 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,387 हो गई है और 380 लोगों की मौत हो चुकी है। अब प्रदेश में 3,072 एक्टिव केस हैं। प्रदेश भर में कांग्रेस ने गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्य कार्यक्रम राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर हुआ। यहां पर कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम AICC के आह्वान पर हुआ। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा कई मंत्री, नेता और विधायक पहुंचे और शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हो सके। वहीं जोधपुर से PCC महासचिव वैभव गहलोत ने गलवान शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी ने मास्क पहना हुआ था। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों तक पहुंच गया है। मानसून ने पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में भी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 27 जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश कर लिया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के अलावा झुंझुनू और सीकर में मानसून अगले 1-2 दिन में प्रवेश कर सकता है। आज पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। देश में बढ़ती तेल की कीमतों ने आमजन की परेशानी को बढ़ा दिया है। पिछले 20 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। तेल विपणन कंपनियों ने कीमतों में आज फिर इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। भारतीय इतिहास में पहली बार डीजल 80 के पार पहुंचा है। लोग दामों में बढ़ोतरी का विरोध भी कर रहे हैं। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं बात करें राजस्थान में तो आज पेट्रोल 23 पैसे और डीजल में 17 पैसे की वृद्धि हुई है। प्रदेश में पेट्रोल 87 रुपए 27 पैसे और डीजल 81 रुपए 01 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों में प्रदेश में पेट्रोल 9 रुपए 45 पैसे और डीजल 10 रुपए 60 पैसे महंगा हुआ है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 309.62 अंक ऊपर 35,151.72 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.89% अंकों की तेजी के साथ 10,380.50 के स्तर पर खुला। ICICI बैंक, हिंडालको, ONGC, वेदांता लिमिटेड और बजाज फाइनेंस के शेयर बढ़त पर खुले। वहीं इंफ्राटेल, कोटक बैंक, HCLTech, कोल इंडिया, NTPC और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर गिरावट पर खुले। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।